Ma'am, look at this camera. Nushrat ji, upar. Ma'am, here. Ma'am, this camera. Here. And one more time, ma'am, here. Here. Nushrat ji, in front, in the center. Ma'am, look here. Ma'am, here. Nushrat ji, here. Nushrat. Ji. Wait, wait. Madam, here, in front, in the center camera. Nushrat ji, here. बेबी को हटा दो जरा सामने से हटा फेस पे लगाओ दीदी के फेस पे लगाओ अरे वो बच्चों को खाने दो रे हाथ ऊपर कर दो हाथ ऊपर करो ना हाँ एंजॉय एंजॉय आप नहीं दिख रहे हो आप थोड़ा आगे आ जाओ आप भी दिख रहे हो बस अरे बेटा जरा हाथ नीचे करो मैम यहाँ पे देखो ना मैम यहाँ पे कैमरे में देखिए हाँ यहाँ पे लाइट क्यों मार रहा है इतना लाइट कम है पूरा कलर टोन में मार रहे हैं कर रहे हैं ये ग्रीन में और ये येलो लाइट मारना पड़ेगा फेस पे तो येलो मार रहे हैं ये पांडे चुप रहे हैं यार हर बर्थडे मेरे लिए स्पेशल होता है मैं हर बर्थडे पे अपने लिए कुछ ना कुछ करती हूँ सेलिब्रेट करती हूँ अपने लव वन से इस फिल्म के सेट पे पता है क्या हुआ मैं इस फिल्म में एक एनजीओ में काम करने वाली लड़की हूँ जो बच्चों के साथ काम करती है एंड हम एक्चुअली जब वो सीन शूट कर रहे थे तो आई इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ किड्स एंड आई फेल्ट के उस सीन में वो इतने हैप्पी थे कि मैं उनको उस सीन में चॉकलेट्स एंड केक्स और सैंडविचेस दे रही थी तो आई फेल्ट क्या मैंने ये क्यों नहीं किया कभी लाइफ में एंड आई थॉट डूइंग इट ऑन माय बर्थडे इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज बच्चों को जो प्यार होता है ना वो एक्चुअली अनअडल्ट्रेटेड होता है वो एकदम या तो प्यार करते हैं या तो नहीं करते तो मुझे वो फीलिंग बहुत पसंद है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा टू कमेंट दिस माय फर्स्ट केक आई एम कटिंग मैंने अभी तक रात को सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ पेस्ट्रीज कट की थी बट पूरा केक में पहला कट कर रही हूँ मैं इनके साथ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आई वॉन्ट टू फीड एवरी वन ऑफ देम एंड आई होप दे आर गोइंग टू लाइक द केक एंड सैंडविचेस यार मेरा ना हमेशा से ये रहता है कि आई डोंट वेट फॉर समवन टू डू कि कोई मेरे लिए कुछ करे अपने बर्थडे पे मैं खुद ही कर लेती हूँ वेर इट इज़ अबाउट कि अच्छा पार्टी थ्रो करनी तो मैं पार्टी थ्रो करती हूँ या अगर डिनर पे जाना है तो पूरी फैमिली को लेके जाती हूँ या खुद को गिफ्ट देना है तो मैं खुद को गिफ्ट्स भी दे देती हूँ मेरा बर्थडे केक भी होता हैप्पी बर्थडे टू मी होता है क्योंकि मैंने ऑर्डर किया मैं अपने आप को दे रही हूँ तो मुझे ना वो सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे माई सेल्फ एंड नॉट एक्सपेक्टिंग कि बाकी कोई दुनिया में जाके मेरे लिए कुछ करेगा वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है तो मैं हर साल पूरा ऑर्गेनाइजेशन खुद ही करती हूँ From venue to invites to people to flowers to everything. तो मेरा हर बर्थडे ऐसे ही रहा है और सेम स्टोरी रही है जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है ही एंड हिज वाइफ मैं उनकी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त हूँ तो उन्होंने एक्चुअली मुझे 11:50 को फ़ोन कर दिया और 10 मिनट बातें की सो दैट ही इज़ द दे आर द फर्स्ट पीपल टू विश मी एंड एक्चुअली आई रिमेंबर टेलिंग हिम कि ये पहला कॉल आपका आ रहा है तो या दैट वॉज विकी सदाना यार मैं जब बहुत छोटी थी ना तो मम्मी पापा ने एक हॉल बुक किया था और बच्चों को बुलाया था टू प्ले गेम्स तो उसमें मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि मेरा बर्थडे है इतने सारे गिफ्ट्स हैं तो ये बाकी बच्चों को गिफ्ट्स क्यों जा रहे हैं ये मुझे मिलने चाहिए मुझे वो समझ में नहीं आया कि गेम्स खेल के जो जीत रहे हैं उनको उनको गिफ्ट दिए जाएंगे
तो मेरा जो वो एक बर्थडे था, मैं पूरे बर्थडे बहुत सल्क करके बैठी हुई थी क्योंकि मैं अपने हाथों से सारे गिफ्ट जो मैंने पैक किए थे वो किसी और को दे रही थी क्योंकि दे वन द द गेम्स एंड आई डिडंट. तो आई फेल्ट कि अब से मैं ना किसी और गेम्स के बर्थडे पे नहीं जाऊंगी, जो भी गिफ्ट्स हैं वो सारे मुझे आने चाहिए. मैंने तीन विशेज मांगी यार. मेरी फर्स्ट विश थी कि मैं और भी बड़ी पिक्चरें और भी बेटर काम करूँ. मेरी सेकेंड विश थी कि मैं आई एम द ओनली चाइल्ड, तो आई हैव माई मदर फादर एंड दादी एट होम. आई वॉन्ट टू, मेरी ये विश थी कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू एक जगह पे आऊँ जहाँ मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ, जहाँ उनको कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़े. तो मैंने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की विश की ताकि फॉर अ लॉन्ग टाइम अब मैं उनका सारा खर्चा उठा सकूँ. और अगर लाइफ में मुझे ना बच्चे अडॉप्ट करने का बड़ा शौक है कि आई वॉन्ट टू टेक ऑन अ चाइल्ड्स एजुकेशन और हेल्थ और वेलबींग, तो फॉर बी एबल टू डू दैट आपको उतना फाइनेंस एक साल में होना चाहिए. तो आई विश फॉर दैट कि मुझे उतने पैसे आए जो मैं ये सब जो मुझे करना है उनको सपोर्ट कर सकूँ और कर सकूँ. और मेरी थर्ड विश थी कि मेरी तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं लड़कियाँ, एंड आई विश कि मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊँ, मुझे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंट्री या देश या सिटी में हो, आई विश टिल माई लास्ट डेज आई हैव दीज थ्री फ्रेंड्स विथ मी, बिकॉज वो मेरे अब 15-20 साल से मेरे दोस्त हैं, मतलब बचपन से मेरे दोस्त रहे हैं. तो आई विश दैट आई कंटिन्यू बींग फ्रेंड्स विद दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मेरी तीन विशेज.